काफी समय बाद आपका ग्वालियर आगमन हुआ है। मैं जन्माष्टमी की बधाई देता हूं और मेरी कोशिश होगी कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से पहले काम कर रही थी संगठन बने और जनता के बीच में जाएगी। ग्वालियर की मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या कहना है आपका, जिस तरीके से खरीद फरोख्त करके आज की डेट में राजनीति? देखिए, ये जो सत्ता में लोग रहते हैं वो अक्सर इस बात को कोशिश करते हैं कि पैसे का बढ़ावा हो, लेकिन लोकतंत्र को ये खतरा पैदा होगा। आने वाले समय में जो लोग लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं उनके खिलाफ जनता खड़ी होगी। लोकतंत्र को बचाने के लिए जनता सामने आए, संविधान को बचाने के लिए जनता सामने आए, और मुझे उम्मीद है कि जब 23 में चुनाव होगा तो परिवर्तन होगा। आप किस तरीके से 2023 में परफॉर्मेंस करेंगे अपनी समाजवादी पार्टी? पहले भी पार्टी लड़ी थी, एक विधायक हमारा था और एक विधायक की ये कीमत थी जब सरकार बनानी थी कांग्रेस को, एक विधायक को ढूंढ रहे थे वो कहाँ है, और मुझे खुशी है कि उस विधायक ने समर्थन कांग्रेस का दिया और सरकार बनी। यूपी के जब इलेक्शन थे आपने राजनीति में एक नया संदेश दिया था, प्रियंका जी और आमने सामने हुए थे, उसमें आपने राजनीति में नया संदेश दिया था, आगे वाली राजनीति भी आप ऐसे संदेश देना चाहेंगे? अब कोशिश होगी कि सभी को साथ लें। बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।